इसको पूरा स्ट्रेच करो आप। हाँ जी मैम। एल्बो पे स्ट्रेच आ रहा है? हाँ जी मैम। आप सीधा देखोगे और बॉडी भी सीधी करो अपनी, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा मैम। वापस करो। एल्बो में पेन, टेनिस एल्बो एक ऐसी प्रॉब्लम है कॉमन। अगर हमारे एल्बो में पेन होता है हम कॉमनली हर किसी को कह देते कि टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो अलग चीज है, कईयों को एल्बो पे पेन आता है जस्ट बिकॉज उनकी मसल्स में इम्बेलेंस हो जाता है, स्ट्रेच में दिक्कत आती है। कई लोग जिम में क्या करते हैं कि अपनी फोरआर्म ट्रेंड ही नहीं करते हैं, सिर्फ लड़के क्या करते हैं बाइसेप्स बनने चाहिए हमारे, ट्राइसेप की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा जो प्लेयर्स होते हैं जिनका टेबल टेनिस का ज्यादा वो काम होता है, बार बार ये मूवमेंट ज्यादा होनी है, या फिर जो क्रिकेटर्स हैं बॉलर्स हैं वो लोग मेरे पास आते हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एल्बो में पेन आना। अब जैसे ये हमारे पास आया है, इसको क्या आप क्या खेलते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट, बॉलिंग ज्यादा? बॉलिंग। अब इनको बॉलिंग की वजह से आ रहा है, बॉलिंग की वजह से आ रहा है, क्या हो रहा है कि ये सिर्फ बॉलिंग का इनका एक पोजीशन ये है, ठीक है, इस पोजीशन में बार बार उसको यूज करना आम को, तो इनकी इम्बेलेंस आ गया। वो हम टेस्ट कर चुके हैं कि क्या क्या दिक्कत आई थी इनको। अब हम एल्बो पे देखा है कि एल्बो की मसल्स पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो एल्बो प्रॉपर पूरी खुल नहीं रही है, इनकी एल्बो जो है पूरी ये लॉक नहीं कर पा रहे, जैसे ही लॉक करते हैं इनको इंपिंजमेंट इन पेन आता है। अभी इसको इससे ज्यादा पेन आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो इनकी रिलीजिंग वगैरह भी कर सकते हैं घर पे, पर अब जब अब कोई है नहीं आपके पास, प्लेयर्स होते हैं वो अपने घरों से दूर होते हैं, एक दूसरे को हम कह नहीं सकते हैं, सब हमारी सेम पोजीशंस पे होते हैं, तो सेल्फ इसको घर पे बैठे कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ऐसे करो इसको, हाँ कोशिश करो, एक स्ट्रेच पेन फील होगा यहाँ पे, थोड़ा सा पेन फील करोगे जहां पे ज्यादा। अब आपका प्रॉपर इनका लॉक नहीं हो रहा है, पर जितना हो रहा है उतना करके इसको प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे, 15 सेकेंड होल्ड करेंगे इसको। इसमें क्या होगा कि इस मसल्स पे स्ट्रेच आएगा, इसके बाद फिर आपने ऐसे अब इसको स्ट्रेच करना है। ये दीवार के साथ कर सकते हैं? ये वाला दीवार के साथ नहीं करना है आपको, इसको पेन आ रहा है आपको? नहीं मैम। ठीक है, इसको ये स्ट्रेच करेंगे, इसको भी 15 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है, ये दिन में 3 बार करना होता है, ठीक है। एक दीवार के साथ आप ये भी करोगे, ऐसे हाथ रखोगे इस पे, ऐसे रखकर और अपनी गर्दन को ऐसे करेंगे आप, लेफ्ट साइड ऑन। हाँ, इससे क्या होगा कि आपके नेक तक प्रॉपर पूरा स्ट्रेच फील होगा, हो रहा है आपको? हो रहा है। आप कोशिश करो इसको पूरा लगाने की। नहीं मैम, थोड़ा सा मैम, नहीं हो, कुछ सेकंड है, आप बस फील करो 50, ये स्ट्रेच पेन होगा, ठीक है, फेस सीधा रखो, स्ट्रेच पेन फील होगा, 15 सेकेंड होल्ड करते हैं, आपको अभी चेंज दिख जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रिलैक्स, सीधे। आपको बेंड करने में थोड़ी सी पेन फील होगी, आप अब यहां बैठो। अभी सिर्फ मैं स्ट्रेचेस बता रही हूं कौन कौन से आपको करने हैं, इसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी बताई जाएंगी। इसमें क्या है, आपको ऐसे रखना है अपने एल्बो को। अब ये क्या है, हम इनका जो रोटेटिंग कफ में दिक्कत आ रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटिंग कफ में भी इम्बेलेंस हो जाता है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। इसमें क्या है, आपको आपको खुद को नहीं जाना, बस ये स्ट्रेच देना है, नहीं हो रहा मैम, बस इतना ही स्ट्रेच देना है, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी 15 सेकेंड होल्ड करेंगे हम, इसको 15 सेकेंड होल्ड करना है, पर वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, बॉडी को लीन नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप, 15 सेकेंड होल्ड। ये इनका ओपन है, जो इंटरनल रोटेशन इनकी ठीक है, एक्सटर्नल में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, ये भी 15 सेकेंड होल्ड करके, अब हम टावल का रोल बनाकर आप इस जगह रखोगे इसमें, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, इसको इस तरह होल्ड कर ले आप, ठीक है, होल्ड करके हैमर पोजीशन, जिम में हैमरिंग करते हैं हम, सेम उसी पोजीशन में आपको इस तरह रखना है, ऊपर करकर इसका रोटेशन, ये ऐसे करके होल्ड और ये नीचे, ठीक है, ये भी 15 नहीं आप 10 टाइम्स करोगे, ये 1, ये डाउन, ये हो गया 1, ऐसे ही हैमर पोजीशन 2, अब इसको स्ट्रेट नीचे
पूरा नीचे ले आओ, थ्री, ठीक है। ऐसे आपको 10 टाइम करना है, 3 रेपिटेशंस करने हैं। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी, आप स्ट्रेट खड़े होंगे, इसी पोजीशन में स्ट्रेट खड़े हो जाओ, आ जाओ आप स्ट्रेट खड़े हो, नहीं टावल लगा के रखना है, ओके ठीक है, हां जी, सीधे खड़े हो, पैर ओपन यू आर लेग्स, हाँ एकदम एक्यूरेट पोजीशन। इसमें अब हम ट्राइसेप ट्रेन करेंगे विदाउट एनीथिंग, आपको करना है एम्प्टी हैंडेड करना है, कोई चीज आपको होल्ड नहीं करनी है। ये आप 1 महीना लगातार ये वाली एक्सरसाइज करोगे विद, अगर आपको 3 or 4 days में आपको फर्क पड़ता लग रहा है, उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद से आप बॉटल का वेट पकड़ सकते हो, पर इससे ज्यादा हैवी वेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद इसको स्ट्रेट आप सीधा देखोगे, एल्बो लॉक करनी है, ठीक है, स्ट्रेट एल्बो लॉक करो, अब एल्बो लॉक हो रही है, आपको ये पोजिशन में स्ट्रेट करना है नीचे, मेन फास्ट करो, एल्बो लॉक 1 2 करो, इस मसल पे आ रहा है ऊपर वाली जोर, ठीक है, फिर से करो, वेरी गुड, ये वाली, ठीक है, स्ट्रेच पूरा लॉक, अब आप लॉक कर पा रहे हो, है ना, ठीक है। ये ट्राइसेप ट्रेन करना है आपको, इसके बाद आपको एक स्ट्रेच बता रही हूं, ये बहुत ध्यान से आपको करना है, यहां बैठोगे आप, इसमें क्या करना है आपको, पहले इसमें आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको ऐसे होल्ड करना है हाथ को, इसको अपनी तरफ, हाथ को अपनी तरफ खींचना है, और इस आर्म को अपर बाइसेप्स के ऊपर हाथ रख के इसको टूवर्ड्स डाउन पुल करना है, इसको ऐसे नीचे होल्ड करके इसको ऊपर की तरह, हम डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस तरह ट्रैक्शन देंगे, मसल को छोड़ देंगे, 3 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 रिलैक्स, ठीक है, 3 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 रिलैक्स, ये 5 टाइम्स करना है। इसके अलावा आपने अपने जहां एक ट्रिगर पॉइंट पेन होता है वहां पे आइसिंग करोगे, उससे अलावा आप हीट पैड कर सकते हो, रात को कोई बाम लगा लेना हीटिंग के बाद, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं, सर्वाइकल है, नमनेस इन हैंड्स फुट में, या शैटिका है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको करनाल प्लस को कॉन्टैक्ट करना होगा, करनाल प्लस के ऊपर आप व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप जो नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आई एम डॉक्टर कौर, मैं दिल्ली में क्लिनिक है, अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना तो प्लीज कॉन्टैक्ट करना।